Welcome everyone to our channel Fabian Media Private Limited. Today we are with Shri Satpal Maharaj ji, Tourism Minister, Uttarakhand. In India we have got many circuits. The most important one is the Ramayan circuit, Mahabharat circuit. These two circuits are very very important. तो हम लोगों को थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि इस सर्कट्स को हम डेवलप करें और हर राज्य के अंदर कहीं ना कहीं रामायण सर्किट का और महाभारत सर्किट का कहीं ना कहीं उसका इतिहास जो है वो विद्यमान है. तो उसको जोड़ते हुए केंद्रीय सरकार को चाहिए कि अन्य राज्यों को जोड़ते हुए इन महाभारत सर्किट और रामायण सर्किट को और सुदृढ़ करें और सभी राज्यों की इसमें भागीदारी हो तो ये बहुत अपने आप में बहुत अच्छा कार्य होगा. What steps have been taken by the Ministry of the Tourism to revive the tourism of the state? The money is pouring in for these circuits, but हमारा ये कहना है कि देहरादून जो है यहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने पांडवों को सिखाया और यहाँ पर लाखा मंडल के अंदर लक्षागृह बनाया गया था जहाँ पांडवों को मारने की साजिश रची गई. उसके बाद जब पांडव लोग द्रौपदी को विवाह करके लाते हैं तो अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए उन्होंने कहा कि माँ हम कुछ लाए हैं. तो माँ ने कहा कि आपस में बांट लो. तो फिर जो द्रौपदी है पांच पतियों की पत्नी बनी और इस प्रकार की परंपरा हमारे जौनसार के अंदर आज भी विद्यमान है, विच इज पॉलीएंड्री. तो यहाँ भी इस प्रकार का एक वो भाव विद्यमान है. उसके बाद पांडव लोग जो हैं अपने जो पितृ दोष लग गया था, अपने स्वजनों को मारने का दोष लग गया था, उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए केदारनाथ गए और केदारनाथ में पांडवों को भगवान शंकर का दर्शन हुआ. तो इस प्रकार की जो पूरी कहानी है, क्योंकि हम चाहते हैं अपनी स्टेट के अंदर हम एक महाभारत ट्रेल बनाएं जिसमें कि जहां जहां पांडव लोग गए वहां वहां हम पर्यटक को ले जाएं, वो वहां की जो लोकल कहानियां हैं, लोकल स्टोरीज हैं, उनको देखता हुआ, मंदिरों के दर्शन करता हुआ और वो अंत में जाकर के केदारनाथ के दर्शन प्राप्त करें. उत्तराखंड इज कमिंग अप विद द लॉन्गेस्ट ट्रेल लाइक द जर्नी ऑन फूट विच इज ऑफ द विच विल स्टार्ट फ्रॉम ऋषिकेश एंड विल गो टू ऑल द चार धाम एंड विल बैक टू द ऋषिकेश. ये भी एक ट्रेल है. इसमें हम लोगों की इसको प्रमोट करना चाहते हैं, पर इसके साथ साथ हम महाभारत ट्रेल भी प्रमोट करना चाहते हैं. और हमारे यहाँ रामायण सर्किट का भी एक अंश आता है कि जब हनुमान जी रिवाइवल करने के लिए जड़ी बूटी के लिए आए, संजीवनी के लिए आए, तो वो द्रोणागिरी पर्वत उत्तराखंड में ही थी. तो वहाँ से जो है वो पूरा पर्वत उठा के ले गए. तो आज भी उत्तराखंड में ऐसी हर्ब्स हैं जो लाइफ गिविंग हर्ब्स हैं, तो उसका भी एक पर्यटन अपने आप में है. इसके साथ साथ जो सरयू नदी अयोध्या से बहती है उसका उद्गम स्थल हमारे उत्तराखंड में होता है, बागेश्वर से बहते हुए जाती है. तो हम यहाँ सरयू की आरती, यमुना की आरती और गंगा की, तीन नदियों की आरती करते हैं. No doubt, sir. This is going to be a best experience to have this journey on foot. Definitely. Because it's like to do something as your forefather do. You know, what are the upcoming projects you are coming up with in terms of tourism? हम होमस्टे को प्रमोट कर रहे हैं ताकि गांव-गांव में टूरिज्म फैले और जो हमारे ट्रैक रूट्स हैं वहां पर भी हम होमस्टे को लाना चाहते हैं. हमारे यहाँ 3,400 होमस्टे रजिस्टर्ड हो गए हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण के अंदर होमस्टे का जिक्र किया कि उत्तराखंड के अंदर होमस्टे बढ़ते जा रहे हैं. निश्चित रूप में पहले जगह जगह छोटी छोटी धर्मशालाएं होती थी, रहने की सुविधा होती थी, आज होमस्टे के जरिए वो प्राप्त हो रही हैं पर्यटकों को. और पर्यटकों में डाइवर्सिफाई होने की एक भावना आ गई है कि भाई जो बड़े फेमस डेस्टिनेशन है उसके अलावा क्या है देखने को. तो लोग चाहते हैं कि डाइवर्सिफाई हो. हम ये चाहते हैं कि अन्य स्थानों में जो बाइफर्केशन है, जैसे आप बद्रीनाथ से आ रहे हैं तो दूसरे रास्ते से आइए तो आप क्या वहाँ की सुंदरता भी आपको देखने को मिले. तो डाइवर्सिफाई रूट्स के लिए भी हम प्रमोट कर रहे हैं और हमारा मेन मकसद जो है होमस्टे को प्रमोट करना है. इसके साथ साथ नए डेस्टिनेशंस को करना है जहाँ पर हमारे नवग्रह मंदिर हैं, नौ ग्रहों की पूजा आप कर सकते हैं. शाक्त सर्किट के अंदर आप भगवती की पूजा कर सकते हैं. आप शैव सर्किट में आप शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं. हमारे डांडा नागराजा की पूजा कर सकते हैं
और इस प्रकार से गोलू देवता की पूजा कर सकते हैं। कुमाऊं के अंदर गोलू देवता का बहुत जो है मान्यता है, और हम कसार देवी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। कसार देवी के अंदर वैन एलन बेल्ट वहाँ पर है, जिससे कि आदमी की सेल्फ फीलिंग होती है, तो कसार देवी में काफ़ी फॉरनर्स रहते हैं और सेल्फ फीलिंग उनको होती है। मैंने केंद्र सरकार को लिखा है कि वीज़ा के भी कुछ रिलैक्सेशन उनको होना चाहिए, ताकि लॉन्गर टर्म वीज़ा उनको मिले अगर वो कसार देवी में रहते हैं। और कसार देवी का फिनोमेना, जो वैन एलन बेल्ट का फिनोमेना है, ये तीन जगह है दुनिया में, एक माचू पिचू में है, और एक स्टोनहेंज में है, और एक कसार देवी में है। तो दीज फिनोमेनाज जो हैं, ये यहाँ सेल्फ फीलिंग होती है, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं पर्यटकों के लिए। हमारा बजट तो जो है, हमारी जो स्कीम्स हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्कीम है, दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना है, उसमें हमने खर्च किया, फिर उसमें हमने काफ़ी रिलैक्सेशन दिया, और हमने 200 करोड़ के करीब जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर जो लोगों को नुकसान हो गया था उसमें लोगों की सहायता करने में हमने खर्च किया, तो सबको सहायता दी है हमने, जो ड्राइवर्स थे, जो हमारे केटरर्स थे और होटलों के अंदर काम करते थे, उन सबको सहायता हमने प्रदान की। I would like you to please give any of your message to our audience. मैं ये कहना चाहूँगा कि बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर हमारे ईस्ट एशिया से काफ़ी लोग आते हैं, तो निश्चित रूप में बुद्धिस्ट सर्किट जो है हमारे उत्तराखंड के अंदर, हम गविषाण का इस समय जो है उसको खुदाई कर रहे हैं, एक्सकवेशन हो रहा है, और गविषाण के अंदर ये माना जाता है कि ये दो यात्री जो चीनी यात्री थे, ह्वान सिंह, उसने जिक्र किया है कि महात्मा बुद्ध के नाखून और बाल वहाँ रखे हुए हैं, तो हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। और उसके अंदर काफ़ी बड़ी एक नगरी है, वो काशीपुर माना जाता है, उत्तर का काशी माना जाता है, तो हम समझते हैं काफ़ी कुछ पांडवकालीन हमको अवशेष मिलेंगे, तो मैं समझता हूँ उसका एक्सकवेशन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा अशोक पिलर हमारे यहाँ है, जहाँ की महात्मा बुद्ध के जमाने के बाद जो है वहाँ पर कुछ लिखे गए थे, निर्देश लिखे गए थे, तो वो भी टूरिज्म के अंदर स्थान आता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से हम सर्किट्स को डेवलप करें, जिसमें कि निश्चित रूप में जो 12 ज्योतिर्लिंग का सर्किट है पूरे देश के अंदर, इसको और भी प्रचारित प्रसारित किया जाए, क्योंकि इसके एक्सेस को अगर देखा जाए तो ये मैं समझता हूँ स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है उसको दर्शाता है, स्पिरिचुअल एनर्जी का जो प्रभाव है उसको दर्शाता है, तो इस पर थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए। और टूरिज्म को निश्चित रूप से यंत्रों के ऊपर, मंत्रों के ऊपर और हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है इस पर रिसर्च करनी चाहिए। योगा जो है ये निश्चित रूप में बहुत प्रभावशाली है और दुनिया को शांति प्रदान करने में बहुत बड़ा योग का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योगा डे को स्वीकृत कराया और उसकी हम उसका सभी अनुपालन करते हैं, तो योग का प्रचार प्रसार होना चाहिए और इस प्रकार का करिकुलम बनना चाहिए कि एक छोटे क्लास से लेकर के और बड़ी क्लास तक योगा में आप अपने जीवन को ढालें। तो मैं समझता हूं कि जो ड्रग्स का प्रचार प्रसार दुनिया में हो रहा है ये नहीं होगा, और ड्रग्स को हम मैं समझता हूं कि विल से नो टू ड्रग्स, तो योग को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। स्कूलों के अंदर भी योग की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ हमारा राष्ट्र जो है विश्व का गुरु बनेगा। So if you guys have any of the questions related to the Uttarakhand tourism, please ask and comment. We'll definitely ask him for the answers. Thank you.